एक और वेब सीरीज, एक और विवाद। इस बार भी आरोप सनातन पर हमले का लगा है। नेटफ्लिक्स पर निर्देशक अनुभव सिन्हा की फिल्म रिलीज हुई तो बवाल मच गया। 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 का अपहरण आतंकियों ने किया था और इसी सच्ची घटना को इस वेब सीरीज के जरिए पर्दे पर उतारा गया। लेकिन आतंकियों के नामों को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा बवाल हो रहा है। आखिर पाकिस्तानी आतंकियों के नाम हिंदू क्यों रखे गए? विवाद इतना बढ़ा कि नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड को दिल्ली तलब किया गया। कंटेंट हेड दिल्ली पहुंचे, शास्त्री भवन में बैठक हुई। नेटफ्लिक्स के कंटेंट प्रमुख सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव से मिले, जिसमें नेटफ्लिक्स ने यह आश्वासन दिया कि भविष्य के सभी कंटेंट देश की भावनाओं के प्रति संवेदनशील और उसके अनुरूप होंगे। दरअसल निर्माताओं का यह कहना है कि आतंकियों ने जब प्लेन को हाईजैक किया था तब उन्होंने चालाकी से अपनी मुस्लिम पहचान छिपा ली। विमान के अंदर पांचों आतंकी एक दूसरे को निकनेम यानी कि कोड के जरिए पुकार रहे थे। एक ने अपना नाम डॉक्टर रखा था, दूसरे ने बर्गर, तीसरे ने शंकर, चौथे ने भोला और पांचवें आतंकी ने बाबा। वेब सीरीज में आतंकियों के इन्हीं नामों को लेकर संग्राम तेज हो गया है। वहीं दूसरी तरफ इस शो पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक PIL दायर की गई है। याचिका में यह कहा गया है कि वेब सीरीज में अपहरणकर्ताओं की वास्तविक पहचान के तथ्यों को तोड़ मरोड़कर पेश किया गया। इस याचिका के मुताबिक वेब सीरीज में हाईजैकर्स के नाम भोला और शंकर दिखाए गए हैं, जिससे हिंदू समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं। और आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, जिसमें हमारे साथ कुछ मेहमान भी होंगे। लेकिन पहले राजीव चंद्रशेखर ने क्या कुछ कहा, एक बात वो भी सुनिए। एवरी मैन एंड वुमन इन इंडिया एंड इंडीड इन साउथ एशिया नोज दैट हाईजैक ऑफ IC-814 फ्रॉम काठमांडू वाज कमिटेड, दैट एक्ट वाज कमिटेड बाय पाकिस्तान्स ISI बैक्ड टेररिस्ट। Now, nobody thinks that there were some people from India who did the hijacking. So how the people have Hindu names in that movie, I don't know. But I'm very, very happy that the INV Ministry and the government of India has taken cognizance of this and has summoned Netflix. तो पूर्व केंद्रीय मंत्री को आपने सुना क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पर। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, क्योंकि नेटफ्लिक्स में जिस तरीके का कंटेंट आ रहा है, अब देखिए इस पूरी वेब सीरीज को लेकर बवाल हो चुका है, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जानबूझकर OTTs पर इस तरह का एजेंडा चलाया जाता है? क्या जानबूझकर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है? न्यूडिटी में हिंसा है और न्यूडिटी है, इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता, इस बात पे कोई ग्रेव नहीं है कहने में। पर जहां तक इस मैटर की बात है, IC-814 जो फिल्म बनाई अनुभव सिन्हा ने और उसको जो डिपिक्शन की बात है, तो उसके लिए मैं एक ही बोलूंगी कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या। अनुभव सिन्हा ने जो मूवी बनाई है उसमें जो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट है उसमें लिखा गया था कि इन आतंकियों ने अपने लिए ये अलायंस नाम लिए थे, डॉक्टर, चीफ, शंकर, बोला, ये वो। और उन्होंने अपने मन से तो बनाया नहीं। क्या अनुभव सिन्हा को मतलब मिनिस्ट्री ऑफ IP के पास इतना काम है कि वो नेटफ्लिक्स के कंटेंट चीफ को समन कर रहे हैं कि देश के लोगों की भावनाएं भड़की हैं? ये सबसे बड़ी बात है, किसी ने क्रिएटिव लिबर्टी नहीं ली। ये जब कैप्टन देवी शरण जो प्लेन के हाईजैक प्लेन के पायलट थे, उनकी बायोग्राफी जो है फ्लाइट टू टेरर उसमें ये मेंशन है, और सबसे बड़ी बात मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के उसमें मेंशन है। तो मुझे तो समझ नहीं आया कि अनुभव सिन्हा को इस बात के लिए एप्रीहेंड करने की, अनुभव सिन्हा को इस बात का, नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड को इस बात के एप्रीहेंड करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ IP के पास यही काम बच गया है। प्रीति जी, कल को आप मुझे बताइए, आप देश के सेंटिमेंट्स की बात करते हैं, आप कहते हैं कि देश के हिंदू नाम कैसे यूज कर लिया, बल्कि आतंकियों ने तो खैर यही यूज किया था। वो एक अलग बात है जो उन्होंने दिखाया कि सब भारतीय जनता पार्टी की, वाजपेयी जी की शासन थी, और ये जो तीन मौलाना मसूद अजहर, उमर सईद और मुश्ताक अहमद को जो ये रिहा किया गया था, इन्होंने जाके कल को लाखों लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार है, चाहे पठानकोट हो, चाहे मुंबई टेरर अटैक, चाहे पार्लियामेंट अटैक। ये भी एक फैक्ट है कि उस वक्त भाजपा के घटक दल प्रकाश सिंह बादल की सरकार थी पंजाब में, उन्होंने कहा था 47 मिनट, ये सब दिखाया गया है फिल्म में अगर आप देखे होंगे तो।
47 मिनट अमृतसर में प्लेन खड़ा रहा और प्रकाश सिंह बादल कहते हैं कि मुझे कोई खून खराबा नहीं चाहिए, उन्होंने कोई परमिशन नहीं दी। तो ये तो देश के लोगों को ये जानना जरूरी है कि कवर्ट ऑपरेशन हुआ, वो प्लेन अमृतसर में 47 मिनट खड़ा रहा और देश की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो किस तरीके से विफल हुई, क्योंकि ये आगे के लिए भी लेसन है। और इसमें अनुभव सिन्हा ने कोई क्रिएटिव लिबर्टी नहीं लिया, ये बात मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की है। यानी कि आप ये कह रही हैं कि जो फैक्ट्स हैं उन्हीं को सामने रखा गया है, कोई भी इसमें अपनी तरफ से नाम नहीं बताए गए। सेकंड देंगी प्रीति जी, तो मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि कल को डीएसपी देवेंद्र सिंह पर जिन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर को और दो आतंकवादियों को अपनी कार में बैठा के, ऑफिशियल कार में बैठा के जम्मू से कश्मीर लेकर जा रहे थे, कल को अगर उन पे फिल्म बनती है, कोई प्रोड्यूसर कोई डायरेक्टर फिल्म बनाता है और उसमें क्या देवेंद्र सिंह का नाम दिलबाग कर दिया जाए, दिलावर कर दिया जाए, क्या देवेंद्र सिंह के नाम से भी, जिसपे होम मिनिस्ट्री ने एक्शन लेने से बिल्कुल ही मना कर दिया, उसपे भी लोगों को अगर उसपे नेटफ्लिक्स के कंटेंट को, मुझे लगता है आईबी मिनिस्ट्री के पास बड़े काम है, बड़ी प्राथमिकताएं हैं। और जो इस देश में घटा है, जो इस देश में इतना बड़ा हाईजैक हुआ था और जहां जहां हमारी विफलताएं हैं, सरकार की विफलता है, कोलिशन गवर्नमेंट थी, वो दिखाना जरूरी था। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं इस वक्त, क्योंकि हमारे साथ बीजेपी से रोचिका अग्रवाल जी जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है रोचिका जी आपका भारत 24 पर। आपने सुन लिया होगा कि आखिर कांग्रेस की तरफ से पूजा त्रिपाठी जी ने क्या बातें कही हैं, और वो ये कह रही हैं कि ये जो वेब सीरीज बनी है इसमें कोई भी अपनी तरफ से नाम नहीं दिया गया है, ये मेंशन है और जो मेंशन है मिनिस्ट्री में उन्हीं को सामने रखा गया है। तो फिर बीजेपी को क्यों इतनी दिक्कत है और फिर क्यों इतना ज्यादा बवाल किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? वंदे मातरम, मेरी सबको राम राम जी। देखिए, जिस तरीके का मैंने अभी सुन रही थी हमारी जो को पैनलिस्ट हैं उनकी बातें, अनुभव सिन्हा जो है वो फेवरेट रहे हैं हमेशा से विपक्ष के, वामपंथियों के, और जितना भी हमारा लिबरल गैंग है, जितना भी टुकड़े टुकड़े गैंग है उनके बहुत फेवरेट रहे हैं अनुभव सिन्हा। अनुभव सिन्हा थे जब टुकड़े टुकड़े के नारे लगते थे जेएनयू में, उनको सपोर्ट करते थे। अनुभव सिन्हा थे जब जिस तरीके की एंटी नेशनल एक्टिविटीज कहीं पर भी हुई है हमारे देश में, ये हमेशा उसको सपोर्ट करने आने वाले होते। जब आर्टिकल 13 द मूवी रिलीज होती है उसके अंदर भी तोड़ मड़ोड़ के चीजों को पेश करने का काम भी अनुभव सिन्हा ने किया है। जब जब देश के विरोध में कोई भी आवाज उठी है उसको सपोर्ट करने का काम अनुभव सिन्हा ने किया है। और रही बात अब इस मूवी की, जब इस मूवी में जो एक्चुअल था हाईजैकर्स जो थे वो पाकिस्तान फंडेड था, सारा का सारा ये सबको पता है, वो मुस्लिम थे ये सबको पता है, तो ऐसा क्यों होता है कि उन नामों को छिपाने के लिए, उन नामों को तुष्टीकरण करने के लिए भोला और शंकर नाम ले दिए जाते हैं? मैंने माना जैसे हमारी अभी कॉप एनालिस्ट ने कहा कि वो उन लोगों के असली नाम नहीं थे, वो असली नाम की जगह वो कोडवर्ड यूज कर रहे थे। तो जब कोडवर्ड यूज कर रहे थे तो उनकी जो तुष्टि, जो उसकी वेरीफाई करना, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन करना भी तो अनुभव सिन्हा का काम था ना, कि ये जो नाम लिए गए हैं ये कोडवर्ड हैं, ये इनके असली नाम नहीं है, असली नाम ये है एक है 1 2 3 4 5, ये नाम उनके असली हैं, इसलिए कोई भी इन पे जो नाम दिए गए हैं उनसे कंफ्यूज ना हो, नाम ये हैं, ये कोई हिंदू नहीं थे, हिंदू नाम जो रखे गए हैं वो भी भोला और शंकर। देखिए, भोला जी, भोला हमारे महादेव हैं, हमारे ईष्ट हैं, शंकर जी हमारे महादेव हैं, ईष्ट हैं। सावन का महीना अभी पीछे हो निकल के चुका है और उसमें हमारे ही विपक्ष के जो नेता है, नेता प्रतिपक्ष जो है, वो सावन के महीने में मटन बनाते हुए वीडियो पोस्ट करते हैं, विपक्ष के नेता मछली के साथ फोटोग्राफ पोस्ट करते हैं। ये इनकी सोच है हमारे हिंदू त्योहारों के बारे में, हमारे शंकर जी के बारे में, हमारे महादेव के बारे में। तो जब महादेव, भोला, शंकर ये फोटो में ये लोग, यानी कि रुचिका जी आप ये कह रही कि जानबूझकर हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को, उनके भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाता है, आप ये कह रही कि जानबूझकर ऐसा किया जाता है? बिल्कुल, इनकी भावनाएं आहत क्यों नहीं होती है जब ये कहते हैं कि महादेव हमारे ईष्ट हैं, महादेव और भोला और शंकर ये नाम ही क्यों जस्टिफाई करने के लिए वहां पर रखे गए? क्यों हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो पीके जैसी मूवी में हमारे शंकर जी को भागते हुए दिखाती है, वहां पर हमारे ईष्ट को, हमारे देवता को वहां पर मजाक के तौर पर दिया जाता है? क्या इनकी किसी की हिम्मत है कि किसी और धर्म के, किसी और ईष्ट के बारे में इस तरीके की चीजें पोर्ट्रे कर सके?
क्या इनकी हिम्मत है हमारे विपक्ष की कि जब कुछ ऐसा कुछ होता है तो वो उनको सपोर्ट कर सके? क्या इनकी हिम्मत? लेकिन वो ये कह रहे हैं कि तो रियल फैक्ट्स थे, जब प्लेन को हाईजैक किया गया था तब इन्हीं कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया था, यही नेम थे जिनके जरिए बुलाया जा रहा था, तो जो हुआ था उसी को दिखाया गया। बोलिए, तो क्या इनकी ड्यूटी ये नहीं थी कि एक सीन उसमें डाल देते कि उसका एक्चुअल नाम ये है, लिख देते वहां पर कि जी एक्चुअल नाम ये है, लिखना वो चीज जस्टिफाई करनी भी तो जरूरी थी ना कि जो हमने यूज किए हैं वो नाम यूज किए गए हैं जो उनकी कोड वर्ड है, देते ना वहां पर लिखित में। वहां पर अगर एक बार दो बार पब्लिक के सामने वो लोग उन कोड नामों को यूज कर रहे हैं तो पर्सनली तो नहीं कर रहे होंगे ना। पूजा त्रिपाठी जी, ये बात तो सही है ना कि कहीं ना कहीं अगर इस तरीके से रियल जो नेम है अगर उनको यहाँ पर बताया जाता, क्योंकि वो मुस्लिम थे ये बात सबको पता था, जिस तरीके से प्लेन हाईजैक किया गया, तो एक छवि जो है हिंदुओं की, क्या उसको खराब करने की कोशिश यहाँ पर नहीं हो रही है? और सवाल तो ये भी है कि अगर उन नामों को इस्तेमाल करते तो ज्यादा बेहतर होता। इससे ये पता चलता जो हमारी यूथ है, जो आजकल का यूथ है, उनको नहीं पता होगा अच्छे से उस वक्त क्या हुआ था, एक परसेप्शन भी तो क्रिएट होता है ना। पूजा त्रिपाठी, हमारा हिंदू धर्म इतना कमजोर और इतना शैलो नहीं है कि टेररिस्ट के अलायंस नाम लेने से, जो कि मैंने फिर से कहूंगी कि अनुभव सिन्हा ने कोई क्रिएटिव लिबर्टी, लेकिन भोला और शंकर तो हमारे भगवान है, हमें पूजते हैं। हमारे महादेव भोला और शंकर जो है वो इतने कमजोर नहीं है, इतने शैलो नहीं है कि टेररिस्ट के अलायंस नाम लेने से हमारे शंकर और भोला पे आ जाए। और बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, लेकिन लोगों की भावनाएं इससे ठेस होती है। नहीं पूजा जी, ये किसी, अगर अनुभव सिन्हा अपने मन से किए होते तो फिर मैं क्वेश्चन करती कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ये तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट में मेंशन है कि उन्होंने अलायंस नाम लिया था, ये फिक्शन है, IC 814 इंसिडेंट का फिक्शनलाइज्ड फिल्म है और उन्होंने बिल्कुल वैसा का वैसा दिखाया। आप हिंदू धर्म हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। कल फरीदाबाद में गौ रक्षकों ने आर्यन मिश्रा की गोद तस्कर के उसमें 12 किलोमीटर तक उसको चढ़ा के उस पर गोली मार दी। मुझे लगता है कि आप ये छोटी छोटी बातों में हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म ये करने की बात नहीं है। आप अनुभव सिन्हा की बात करते हैं, अनुभव सिन्हा भाड़ में जाए, लेकिन आपके शासनकाल में दलितों पर 42% अपराध में वृद्धि हुई है। तो अनुभव सिन्हा जब आर्टिकल 14 लेकर आते हैं तो वो आपको आईना दिखा रहे हैं। आप आईना देखिए, दो दलित बच्चियां फरुखाबाद में पेड़ से लटक कर मर जाती हैं और उनके शव को शासन जला देता है। माता पिता कह रहे हैं कि बाप है भाई है मिट्टी कौन डालेगा, पर नहीं, उनको देखने नहीं दिया जाता। तो ये बात आज जो फिल्म मेकर्स करें, अगर अनुभव सिन्हा ने अपने मन से किया होता तो मैं सबसे पहले आपके चैनल पर खड़े कर उनसे सवाल करती, पर ये तो टेररिस्ट ने खुद से इस्तेमाल किया था। और जहां तक जिनको रिहा किया गया उनकी पूरी हिस्ट्री सामने है, उन्होंने पीछे आगे बताया कि मौलाना मसूद अजहर को दिया गया। छोटी सी बात मैं फिर से दोहराऊंगी कि कल को DSP दविंदर सिंह पे अगर फिल्म कोई बनाता है तो रिचिका जी क्या कहती है, उसका नाम दिलावर कर दिया जाए, उसका नाम दिलबाग कर दिया जाए, क्योंकि डीएसपी देवेंद्र सिंह हजबुल हिजबुल मुजाहिदीन के टेररिस्ट को कमांडर को अपनी गाड़ी में लेकर जम्मू से ठीक है। इसका जवाब मैं रिचिका जी से लूंगी। पर फिर से अपने मुद्दे पर लौटते हैं, और क्योंकि इससे पहले हम इसी को लेकर चर्चा भी कर रहे थे, नेटफ्लिक्स में जो कंटेंट है, OTT प्लेटफॉर्म पर जो कंटेंट है, आखिर उसकी मॉनिटरिंग कैसे की जाए? रुचिका जी, क्योंकि आपको समय नहीं मिला था जवाब देने का, मैं ये भी चाहूंगी कि आप जवाब दीजिएगा पूजा जी के सवाल का, और साथ ही साथ ये बताइए कि आखिर कौन इसकी मॉनिटरिंग करेगा कि OTT प्लेटफॉर्म्स पर क्या जा रहा है, कैसे इसकी मॉनिटरिंग होगी? क्योंकि सेंसर बोर्ड तो जो फिल्में होती है उनको चेक कर लेता है, लेकिन OTT के लिए क्या नियम होने चाहिए, क्या इसके लिए कड़े प्रावधान नहीं होने चाहिए? सही कह रही हैं आप पीसी जी, नियम होने चाहिए और नियम बनाए भी गए हैं। मैं खुद सेंसर बोर्ड की मेंबर हूं, इसलिए मैं कह सकती हूं अगर शायद ये मूवी अगर हमारे पास सेंसर बोर्ड के पास आई होती तो हम इसके अंदर जरूर अपनी तरफ से अब लगाते, चेंजेस करवाते, चाहे उससे हम उसके अंदर हमें जस्टिफिकेशन देनी पड़ती या चाहे हम उसमें डिटेल्स लिखते कि असली नाम इन लोगों के ये थे, जो कि हमेशा होता भी आया है, पहले से भी होता आया है जितनी भी इस तरीके की मूवी रही है। लेकिन क्योंकि ये मूवी नेटफ्लिक्स पे थी और नेटफ्लिक्स की मूवी के लिए सेंसर बोर्ड के पास आने का कोई प्रावधान नहीं है, उनके यहाँ सेल्फ रेगुलेशन है। जब सेल्फ रेगुलेशन होता है तो उनको ये गाइडलाइंस अपनी दी गई है कि कहाँ पर आप अपने एज लिमिट आप लिखिए कि ये 15 साल के बच्चों के लिए है या 12 साल के बच्चों के ऊपर से है या 18 साल के ऊपर है, इसके अंदर वायलेंस है, सेक्स है, न्यूडिटी है, जो कुछ भी है, ब्लड चेट है, जो चीजें हैं आप अपने आप वेरीफाई करिए और उसके अंदर लिखिए, क्योंकि अभी OTT सीरीज हमारे यहाँ INN मिनिस्ट्री के अंडर में कम्प्लीटली नहीं है।
इस वजह से उनको अपने आप सेल्फ रेगुलेशन करना होता है और उनको अपने आप लिखना होता है। इतनी जिम्मेवारी कोई अगर प्रोड्यूसर है, कोई अगर फिल्म मेकर है, तो हम ये सोचते हैं कि जब कोई आप किसी ओहदे पे बैठते हैं तो कम से कम इतनी जिम्मेवारी तो देश के प्रति, समाज के प्रति, अपने अपने आसपास के लोगों के प्रति होनी चाहिए हर किसी की, कि वो कोई भी ऐसी चीज ना दिखाए जिसमें किसी की भी भावना आहत हो। और रही बात हमारी विपक्ष की, जो इस तरह से विपक्ष इस बात को सपोर्ट कर रहा है, तो ये वही विपक्ष है जिन्होंने एक्सीडेंटल प्राइड मिनिस्टर एक मूवी आई थी जिसके अंदर बिल्कुल फैक्ट दिखाए गए थे, उसके ऊपर कितना शोर मचाया था, उस मूवी के ऊपर कितनी ज्यादा हाइपवा मचाई गई थी, नहीं दिखाई जाएगी, नहीं स्क्रीनिंग होगी, नहीं रिलीज होनी चाहिए, क्या उसके अंदर फैक्ट नहीं थे? अगर ये फैक्ट दुहाई दे रहे हैं यहाँ पर इस मूवी के लिए कि अनुपम सिन्हा ने फैक्ट दिखाया, तो क्या एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में फैक्ट नहीं दिखाए गए थे? एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में भी बिल्कुल वही चीज दिखाई गई थी जो एक्चुअली हुई थी। वो जो उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी जिस वजह से प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे और जिस तरीके से उसका उस समय सरकार ऑपरेट करती थी, वो जग जाहिर है। उस बात पे इन लोगों को ऑब्जेक्शन होता है, इनको ऑब्जेक्शन पीके जैसी मूवी पे क्यों नहीं होता जब हमारे ईसीओ को एक भद्दे तरीके से दिखाया जाता है, एक मजाक तरीके से दिखाया जाता है। यहाँ पर मैं समझ नहीं पाती हूँ कि जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होने वाले लोग जो है वो कभी तो मुंह भर के ये कहे कि हाँ उन्होंने जो किया वो गलत किया, भोला शंकर नाम उनको नहीं रखना चाहिए, तो और अगर रखा है तो साथ में उनको असली नाम बिताने चाहिए थे। आज से देखिए प्रीति जी, 20-30-40 साल बाद जब ये पिक्चर देखी जाएगी और जो बच्चे आज की आज में नहीं है वो देख नहीं पाएंगे, उन्हें फैक्ट नहीं पता होगा, उनके सामने क्या छवि बनेगी कि जब प्लेन हाईजैक हुआ था तो क्या ये हिंदू थे, क्या जो हिंदू लोग हैं वो ऐसा करते हैं? और जब भोला और शंकर नाम का जिक्र किया जाता है जिनका सेंटीमेंट सीधा सीधा जुड़ा है हिंदुओं के साथ, जिनको हम अपना आराध्य मानते हैं, जिनको भगवान मानते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, तो जाहिर सी बात है कई सवाल इसको लेकर खड़े होंगे कि ऐसे नामों का इस्तेमाल क्यों किया गया। हालांकि ये कांग्रेस की तरफ से भी अभी आपने सुना कहा जा रहा है कि भाई ये फैक्ट्स थे और उन्हीं को दिखाया गया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। और देखिए ऐसे में हालांकि जो मीटिंग हुई है थोड़ी देर पहले, उसमें जो नेटफ्लिक्स कंटेंट हेड, उन्होंने ये कहा है कि अब जो कंटेंट अपलोड होगा, जो जो भी होगा उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी।